तो डियर चिल्ड्रन, अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वर्किंग। इट्स 11th टुडे एंड लेट अस बिगिन विद द रिवीजन। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, जरा समझिएगा ध्यान से। ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 60 किलोग्राम विद ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन इज ए बी सी डी। कौन सी ऑप्शन होगी? ऐसे दे देंगे आपको, राइट? आइए सॉल्व करके देखें। द बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, मास ऑफ द बुलेट इट इज बिटे गिवन टू बी 50 ग्राम बेटा। मास ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 6 केजी। गन का मास जो है बेटा कैपिटल एम के देते हैं, ये 6 केजी है विद ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। बुलेट की वेलोसिटी जो स्मॉल बी है 400 मीटर पर सेकंड के बराबर दी हुई है आपको। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। आपको रिकॉइल वेलोसिटी गन की निकालनी है। दिस इज योर न्यूमेरिकल नंबर वन, प्रॉब्लम नंबर वन। इसमें आपका डायरेक्टली बेटे मोमेंटम कंजर्वेशन एप्लीकेबल होता है, इट इज वेल नोन टू यू। आप अपने सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कंपेयर कर दिया करते हो। इनिशियली ना तो आपका बुलेट मूव कर रहा है ना ही गन मूव कर रही है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो है और बेटे फाइनल मोमेंटम जो है दैट इज स्मॉल एम इंटू स्मॉल बी प्लस कैपिटल एम इंटू कैपिटल बी बेटा। तो ये आपके पास बेटे आपका जो है फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए, एम इंटू बी प्लस बड़े वाला एम बड़े वाली बी इट इज इक्वल टू जीरो। एंड यू इंटेंड टू कैलकुलेट दिस कैपिटल बी, टर्म्स को एडजस्ट कर लीजिए, इट विल बी लाइक दिस एंड इट इज एम इंटू बी अपॉन कैपिटल एम। वैल्यूज डाली आपने, ये कितना आ रहा है बताइए। ऑल ऑफ यू कितनी आ रही है बेटा, जल्दी से कैलकुलेशन करिए सारे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारी नजर किधर जानी चाहिए? ग्राम को किलोग्राम में। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगर आप ये नहीं करोगे सब कुछ गलत हो जाएगा फिर। ग्राम इट इज 3, बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। इट इज -3.3 मीटर पर सेकंड। वेरी राइट बेटे। तो आपको वो क्वेश्चन में क्या कहेंगे कि ये बुलेट है, मास इसका इतना है, गन का मास इतना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन के लिए चार ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक ये होगा, बात खत्म, राइट? समझ आ गई बात बेटा? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है इधर बुक पे, ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा साथ साथ। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड gets embedded in a freely suspended wooden block of mass 880 gram. एक ब्लॉक दिया हुआ है 880 ग्राम उसका मास है वुडन ब्लॉक का। दिस इज वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक एंड व्हाट वी आर टू डू बेटा इज दैट
what is the velocity acquired by the block? समझिएगा एक बार ध्यान से. उन्होंने कहा है कि एक 20 ग्राम की बुलेट है, इतनी स्पीड से मूव कर रही है, ये इतने मास के वुडन ब्लॉक में एम्बेडेड, का मतलब जानते हो क्या होता है, उसके अंदर ही रह गई है. जब से ट्राई की तो वुड है तो इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता, ये यहाँ पे जाके रह गई और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वुडन ब्लॉक मूव कर जाएगा. आपको वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ द वुडन ब्लॉक निकालना है. विल यू अप्लाई द सेम रिलेशनशिप ऑल ऑफ यू? बी क्विक देन बेटी, इट्स सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज फॉर यू. ऑल ऑफ यू ट्राई दिस. आई विल ऑल्सो बी सॉल्विंग बट आफ्टर 1 or 2 minutes. आप एक बार ट्राई कर लीजिए, देन वी विल मैच द आंसर्स. बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं वहां पे. वहां पर आपको वो जवाब नहीं देंगे, 4 options दे देंगे, उनमें से एक ठीक होगा. करना ऐसे ही आपने सारा काम, सिर्फ पेपर का स्टाइल ही बदला है उन्होंने, और कुछ चेंज नहीं किया है बेटा. समझ आ गई पुत्र बात सबको? सबसे पहले हमारी नजर किधर जानी चाहिए? दो दो जगह पर ग्राम्स हैं, ध्यान रखिएगा. चलिए करिए स्टार्ट. सारे स्टूडेंट्स सॉल्व करके देखिए क्या आता है. अकॉर्डिंगली वी विल बी, मैं भी करता हूं सॉल्व. आप एक बार करके देखो, 2 मिनट लगा के देखो, फिर आंसर्स अपने मैच कर लीजिएगा बेटे सारे बच्चे. वेरी नाइस बेटे, बहुत बढ़िया, करते जाइए. रमनीक, कंप्लीटेड और नॉट? करिए करिए करिए, शाबाश. यूनिट्स का खास ध्यान रखना है सारे स्टूडेंट्स ने. यूनिट्स में गड़बड़ का मतलब है सारा गड़बड़ हो गया. फिर रिकॉइल नहीं कहा है आपको यहां पे उन्होंने, उन्होंने वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जिसमें बुलेट आपका एम्बेडेड है वो निकालने को बोला है. कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं, आसान काम. हाँ जी, हो गया आपको पुत्र? नहीं हुआ अभी? एक बार तरीका मुझे बता दीजिए, कैसे कर रहे हो आप? एनी वन फ्रॉम योर साइड बेटा? 6.8. हाँ जी, नहीं माइनस क्यों आएगा भाई? माइनस तो नहीं आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए. माइनस क्यों आ रहा है आपका? एक मिनट मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं भी सॉल्व करता हूं, आप अपना चेक करिए साथ साथ सारे बच्चे. ये इमेजिन कर लीजिए कि एक सेपरेट सरफेस है, टेबल की सरफेस आप इमेजिन कर लो. इस पे आपने एक ये वुडन ब्लॉक रखा हुआ है. वुडन ब्लॉक आपको देखो डियर चिल्ड्रन 880 ग्राम का दिया हुआ है. एक किलोग्राम से भी कम मास है इसका. इसका अगर मैं मास जो है 880 के किलोग्राम बना लूंगा तो इतने किलोग्राम बन जाएंगे जी, राइट? ये एक बुलेट आ रही है, बुलेट बड़ी ज्यादा वेलोसिटी से आ रही है, 300 मीटर पर सेकंड है. 20 ग्राम इसका अपना मास है. ये जब इसके साथ आकर स्ट्राइक करेगी वुडन ब्लॉक के साथ, तो ये इस वुडन ब्लॉक के अंदर ही रह गई है. इसको बोल देते हैं कि इट इज एम्बेडेड. अब होगा क्या, आपका ये ब्लॉक इधर मूव करने लग जाएगा विद वेलोसिटी वी. ये हमें निकालनी है, राइट? यहां पे हम कहते हैं कि फ्रिक्शन सरफेस और वुडन ब्लॉक में बड़ी थोड़ी है, कम है. ये एक तरीके की अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं, राइट बेटा? अगर आपको ऐसे नहीं कहना तो एक थ्रेड के साथ इसको सस्पेंडेड दिखा दो, एक ही बात है. फिर अब देखिए,
बिफोर द बुलेट स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक, टोटल मोमेंटम सिस्टम का कितना है? इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का बच्चों कितना है? स्मॉल एम इंटू स्मॉल बी, कैपिटल एम इंटू कैपिटल बी। तो स्मॉल एम कितना था? 20 ग्राम, इसके किलोग्राम आपने बना लिए, और स्पीड कितनी? 3 v 3 0, ऐसा ही था। प्लस कैपिटल एम आपका है 880/1000 मल्टीप्लाइड बाई 0। रेस्ट पे वुडन ब्लॉक थोड़ी पहले मूव कर रहा है, वो तो रेस्ट पे ही है। इसका मतलब है ये टर्म सारी की सारी 0 हो गई जी। अब जरा और ध्यान दीजिएगा, 1 1 2 2 कट गई, अच्छा 300 है, तो ये लीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे कर देते हैं, ठीक हो गई बात। एक और कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो P इनिशियल आपका बन गया जी 6। यूनिट क्या लिखूं बच्चों? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, वेरी नाइस, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गए। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब यस बिल्कुल ठीक, अब वुडन ब्लॉक के अंदर आपका बुलेट रह गया है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा बेटे सिस्टम का? इट इज स्मॉल एम प्लस बड़े वाला एम, ठीक है। और वेलोसिटी आपके सिस्टम की कितनी हो गई? बड़े वाला बी, राइट। यहां पे देखो मैंने जानबूझ के बी नहीं लिखा था, बिकॉज इट वाज 0, राइट। तो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ जी? 20 ग्राम की बुलेट, 880 ग्राम का ब्लॉक, इसको डिवाइड कर दिया 1000 से, किलोग्राम बन गए, इनटू वेलोसिटी, राइट। तो आओ, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बेटे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सो पी फाइनल आपके पास आ गया 900 आ जाएगा पूरा, अपॉन 1000 इनटू बी, ऐसा ही है बच्चों, नहीं ऐसा है? ओके, ये दो जीरोस कट गई, 0.9 टाइम्स बी आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए, इसको 1 कह दीजिए, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल से बहुत बढ़िया कंपेयर कर दीजिए। तो आप कंपेयर करोगे तो 0.9 बी इज इक्वल टू 6 बेटा, एंड बी इज इक्वल टू 6/0.9। रमनीक ने आंसर निकाल लिया है, कितना आ रहा है? ऐसे कर लो, ये लो, कितना बना? पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव तो नहीं ना? अरे बेटे पॉइंट्स में बोलो ना, ओवर मत कहो आप। सिक्स सेवन मीटर पर सेकंड आ रहा है, ओके 6.666 जब रिपीट होए पे 7 कर देते हैं ना हम। समझ आ गई सारे बच्चों को? कोई बात मुश्किल तो नहीं लग रही? मुश्किल है ही नहीं, फिजिक्स बहुत आसान है, वेरी इजी। बट आप अगर रेगुलर हैं तभी आसान है ये, अगर आप रेगुलरली काम नहीं करेंगे फिर ये आसान नहीं रहेगी, फिर मुश्किल तो नहीं कहता मैं, आसान नहीं कह सकते आप, ठीक है। चले आगे, अब क्या कहते हो बच्चों? करिए, एक रिकॉइल का करोगे? नहीं करना हो, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लिखिए एक और, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। 6 है,
इस बुक पे यस बेटा ध्यान दीजिएगा। ए ट्रक ऑफ मास 2500 किलोग्राम, ट्रक ऑफ मास 2500 किलोग्राम, ट्रक बड़ा होता है इसका मास बड़ा है, लिख लो 2500 किलोग्राम कर लो, इज मूविंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। ट्रक की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड की है, इस स्पीड से ट्रक मूव कर रहा है। इट कोलाइड्स विद ए कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम, कार है एक छोटी मारुति कार होगी, 1000 किलोग्राम मास उसका दिया हुआ है और इसको हम स्मॉल एम कह देते हैं, राइट। ठीक है जी, आगे आपको दिया है उन्होंने, इट ट्रक ऑफ मास 2500 किलोग्राम मूविंग विद 15 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद द कार, हाँ क्या 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 ये मैंने तो बड़ा ही डाला है, ये छोटा ये है बड़े वाला ये, कोई मतलब कंफ्यूजन है? अच्छा वैसे पूछ रहे हो, बिल्कुल बस इस बात का आप अंदाजा लगा लीजिए, छोटी चीज को स्मॉल से कर लो, बड़ी को बड़े से कर लो, उससे आपको समझने में आसानी रहेगी। और आगे दिया गया है, कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम मूविंग एट 5 मीटर पर सेकंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, कार की डायरेक्शन अपोजिट है और कार की स्पीड दी हुई है आपको बेटा 5 मीटर पर सेकंड। ये देखो ट्रक तेज चल रही है, स्लो चल रही है, थोड़ा डाटा इनका इन अप्रोप्रिएट लग रहा है ना। और आगे आपको दिया गया है, विद व्हाट वेलोसिटी वुड द टू मूव टुगेदर, कोलिजन हो गई दोनों की, कोलाइड करने के बाद, ये उन्होंने लिखा तो नहीं है, इनका मतलब डायरेक्टली है कि वो स्टिक कर गए हैं और वो दोनों किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, दैट इज डी डी बाद वाला। ऐसे है ना डायग्राम बना के मैं चलिए आपकी हेल्प कर देता हूँ, बाकी फिर आप करिएगा। ये एक हॉरिजॉन्टल रोड है और बेटा ये ट्रक आ रहा है एक, ये देख लीजिए ट्रक आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ जी पूरा लग रहा है। और इधर से एक कार आ रही है, जरा चेक करिएगा लग रही है कि नहीं, बनाने तो दो पहले ही ऐसे ही जा रहे हो। ठीक है जी, ये 2500 केजी, ये 1000 किलोग्राम, ये 15 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड कोलाइड कर गए, कोलाइड करने के बाद दे स्टिक टुगेदर, क्या होगा कैसे? हाँ जी हाँ, कोलाइड का मतलब टक्कर ही होता है। देखिए बेटे आप बताएं, हाँ जी बताइए आप कैसे हैं बेटे, कोलाइड करने के बाद दोनों स्टिक कर गए हैं और आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स जब स्टिक कर जाएंगे किस स्पीड से किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, दिस इज रिक्वायर्ड। हमारी सबसे पहले नजर किधर जानी चाहिए? कार पे, सेम है। एक मिनट, यूनिट्स चेक हो गए, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बार हमारी निगाह किधर जानी चाहिए, नजर किधर जानी चाहिए? यस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका डायरेक्शन एक इधर है दूसरा अपोजिट है, तो क्या करना पड़ेगा? वेरी राइट, आपको ये माइनस करना पड़ेगा। ये अगर बात आपको समझ आ गई, कोई आपका न्यूमेरिकल गलत होगा ही नहीं। फिर क्या निकाल भी दिया आपने, वेरी नाइस, लेट अस चेक। नहीं 10 तो नहीं आ रहा भाई, नहीं 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 10 नहीं है, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना,
15 माइनस 5 नहीं करना, वो तो गलत हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके वो क्यों, पहले मुझे समझ बेटे आप समझाइए कैसे हम कर सकते हैं, उठ जाइए आप, व्हाट वी आर सपोज टू डू, बेटे ऐसे नहीं कहना चाहिए आपको, कुछ बोलिए आप, बहुत बुरी बात है आप बोलना ही नहीं चाहते, बैठो आप, इसको नीचे कर लो, सुनाई नहीं दे रहा, हाँ जी वही निकालनी है, कैसे निकालें, बैठो सोचो बैठ के, आप आपके पीछे कोई भी नहीं है, बोलिए, बैठो 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 बैठो, हाँ जी पुत्र, हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, बैठिए बैठिए, इनकी कोलिजन से पहले मोमेंटम निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम जैसे आप लोग कह रहे हो जी, इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इसकी वेलोसिटी प्लस कार का मास मल्टीप्लाइड बाय इसकी वेलोसिटी, नोट तो कर लो भाई, ऐसे मत करो आप, ये आ जाएगा कितना बना बेटा, ये जरा कितना ही बना, कितना हो गया ये किलोग्राम, यही है रमनीक, गुड बेटे गुड, इतना ही है, अब मेरी बात ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देखिए, इधर देखना जरा सारे बच्चे, ये कार है ये ट्रक है, आगे 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 टक्कर हो गई, दोनों एक चीज बन गए, एक मिनट पुत्र एक मिनट एक मिनट, अब दोनों का मास आपको कंबाइन करना पड़ेगा, दिस इज द की पॉइंट, और दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी आपको बी कहनी पड़ेगी, दिस इज द की पॉइंट, सो आपका फाइनल मोमेंटम बच्चों कितना आ गया, इसका मास है 2500, उसका मास है 1000, वेलोसिटी कंबाइंड कह दी हमने कैपिटल बी, एक मिनट पुत्र, 3500 वी आ गया, आप इनको कर दीजिए कंपेयर इनिशियल और फाइनल को, 3500 वी इज 32500, ये दोनों जीरोज कैंसल आउट हो गई हैं, और कितना बना जी ये, अब 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, कितना है बेटे देखो 9.28, यहाँ चलो 3 भी कह सकते हो, हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया रवनीक गुड, सारे बच्चों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, चलें आगे अब, हाँ बता दिया करो क्या कहते हो आप, देखो कोई और निकालो बेटे अब, और तो ये आसान सही है, सो इन दिस वे बेटे जिस जगह पे आपको वो सॉल्व करने को कहते हैं वहां पे चार ऑप्शंस दे देंगे, बात तो वही है, काम तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, देखो देखो बेटा कोई है तो बताओ, कर दें सॉल्व फटाफट, हाँ सॉल्व वाला भी करना है, पेपर के बारे में, आप अभी पूछो क्या पूछना है, आपको देखो मैंने आपको बेटे कभी मना ही नहीं किया, आप चाहे पेपर के बाद पूछ लेना, कभी भी नहीं मैं मना करता, मैंने बताओ आपको कभी मना किया है,
क्या कहते हो? आप चाहे पेपर के बाद पूछ लीजिएगा तो भी नहीं मना करते हम बेटे, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलें आगे। अब कौन सा कह रहे थे आप? सारे ही करने हैं, आप बहुत न्यूमेरिकल करवाते हैं। चलिए हाँ क्या कहता है? ऐसे थोड़ी होता है बेटे। ये बेटे सेकंड प्रॉब्लम आपके लिए है, आप सॉल्व करिएगा। ए 10 ग्राम बुलेट, ए 10 ग्राम बुलेट आपको दी गई है और ए 10 ग्राम बुलेट शूट फ्रॉम 5 किलोग्राम गन, 5 किलोग्राम गन का मास है एंड द बुलेट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड है। व्हाट इज द स्पीड? ये रिकॉइल वाला ही हो गया, ये तो रिकॉइल ऑफ द निकाल के बताना है आपको। चलिए अब कर लीजिए, अब लिखा गया है, फटाफट कर लीजिए, एक मिनट का काम है, आप आधे मिनट में कर लो। हाँ जी बेटे, हाँ जी, रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है आपको। नहीं पॉइंट्स नहीं बोला करो, आप ऐसे मत कहा करो। 20, अरे नहीं, सबसे पहले हमने क्या चेक करना होता है? यस, इट शुड बी 0.8 और नेगेटिव का होना चाहिए। यस यस यस, देखो कहां मिस्टेक हुई है। चलो कोई बात नहीं, करके देखो, ठीक कर लो, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ऐसी बात नहीं है। चले आगे अब। हाँ ठीक, बड़ा ही, हाँ जी ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया रणदीप, ठीक है, हो गया। एक प्रॉब्लम आपके करने वाला है, वैसे हमने पहले किया हुआ है, इट इज जस्ट अ रेपिटेशन। ए गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद द हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 5 meter per second ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग? अज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बिल्कुल इसीलिए कह रहा हूं कि हमने पहले किया हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूं। ये गर्ल है, 40 kg मास है और ये दौड़ लगाकर आ रही है, दौड़ी दौड़ी आ रही है ये गर्ल, और यहाँ पे एक छोटा सा कार्ट सा है ऐसे, और ये 40 kg इसका गर्ल का मास है, 5 meter per second की स्पीड से दौड़ी आ रही है, इसने यहाँ आकर इसने जंप कर दिया और इसका मास 3 kg का है। जंप करने के बाद आपका जो कार्ट है डेफिनेटली मूव करने लग जाएगा और आपको ये वेलोसिटी निकालनी है कि कितनी होगी, राइट? पहले आपने कर रखा है, इट इज जस्ट फॉर यू, कंप्लीट इट बेटा। हाँ जी, नहीं मास ग्राम में थोड़ी होगा, बढ़िया है उसका, मास ग्राम में कैसे होगा, किलोग्राम में है दोनों ही। हाँ जी, आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इट इज मियर रेपिटेशन।
अर्चिता, अर्षप्रीत, अश्मित, हरनूर, मेहर, पूर्वी, रमनीक, रिजुल, रोहन, शुभम एंड सार्थक। आप साथ साथ सॉल्व कर रहे हो ना सारे बच्चे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सर सॉल्व कर रहे हैं बस? ठीक है जी, रमनीक, शी हैज कैलकुलेटेड, ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया, अभी बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इट इज अ, नहीं बेटे ऐसा नहीं आ रहा कुछ भी, आपको एक बार रीचेक करना पड़ेगा। कैसे कर रहे हो आप? इसका मतलब है कैलकुलेशन में छोटी मोटी गलती करते हैं अभी आप, है ना? ऐसा होना नहीं चाहिए। अब आपका हो गया तो फिर खेल क्यों रहे हो आप? पहले काम कर लो बेटे, कंप्लीट, हरी अप ऑल ऑफ यू। कैलकुलेशन मिस्टेक्स अब नहीं होनी चाहिए। इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, जस्ट कंपैरिजन ही करना है दोनों का। इतना मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं। है? आपका कितना आ रहा है बोलो पुत्र? ऐसे डरते रहोगे तो डरते ही रह जाओगे। जो कैलकुलेशन की है बोलो क्या आंसर है। 0.4 नहीं है, कहीं पॉइंट में मुश्किल हुआ आपको, गलती हुई है पॉइंट में, कुछ प्रॉब्लम है। देखो 4 point something बिल्कुल ठीक है। ना ना ना, 0.4 नहीं। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये 4.65 आएगा मीटर पर सेकंड। चेक कर लीजिए सारे बच्चे, इज इट देयर और नॉट? वेरी नाइस। दोनों का, कार्ड का और गर्ल का, पहले इनिशियल मोमेंटम लिख लो, फिर जब गर्ल कार्ड में चली गई है दोनों का मास ऐड कर लो, राइट? ओके बेटे, और उसको फिर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दो। क्या कहते हो? ये देखो 40 × 5 + 3 × 0 = 43 × b। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। कितना बोल रहे थे आप? नहीं है मुश्किल, बहुत आसान। सो थैंक यू ऑल बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू ऑल।